बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा ना रखें, हो सकता है खतरा। क्या आपको पता है सेविंग बैंक अकाउंट के बचत खाते में कितनी रकम रखना सेफ होता है, या फिर यदि बैंक किसी कारणवश डूब जाता है तो आपको कितनी रकम वापस मिलने के चांसेस होते हैं? क्या आपका बैंक में बचत खाता है? यदि हाँ, तो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में ऐसा ही एक नियम बदला था। बैंकों में रखी अपनी 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित है, लेकिन अगर बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है तो क्या होगा? क्यों हमें अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रखने चाहिए? आइए इस बारे में पूरे डिटेल से जानकारी समझते हैं। कैसे बचा सकते हैं अपना पैसा? एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 50 साल में देश में शायद ही कोई बैंक दिवालिया हुआ हो। हालांकि अलग अलग बैंकों में अपना पैसा रखकर आप अपना जोखिम घटा सकते हैं। जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया था। ये बदलाव करीब 27 साल यानी 1993 के बाद पहली बार किया गया। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपके पैसे की सुरक्षा के लिए बैंक अब प्रत्येक 100 रुपए के जमा पर 12 पैसे का प्रीमियम देंगे। पहले ये 10 पैसे ही था। यदि आपका ऐसा काम है या इतनी सेविंग है कि आप 5 लाख से अधिक का बजट होता है, तो आप अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवा कर वहां अपना पैसा सेव कर सकते हैं। इससे कभी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि बैंक दिवालिया हो रहा या कुछ और, तो आपका सभी पैसा डूबेगा नहीं। 2020 बजट सत्र में आपके पैसे की सुरक्षा के लिए क्या बदले नियम? 2020 बजट सत्र में पहले बैंक सिर्फ 1 लाख रुपए तक की गारंटी लेता था, परंतु 2020 बजट सत्र के बाद बैंक 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेने लगा। 4 फरवरी 2020 से इस नियम को लागू भी कर दिया गया है। यदि अब कोई बैंक डूबता है तो आपके खाते में जमा 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहेंगे। बैंक आपको 5 लाख रुपए लौटाएगा। ये कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई जमा बीमा और कर्ज गारंटी निगम देगा। कैसे होता है आंकलन? किसी भी बैंक में एक व्यक्ति भी सभी खातों को मिलाकर 5 लाख रुपए की गारंटी होती है। मतलब अगर आपने एक ही बैंक में 5 लाख रुपए की FD करा रखी है और उसी में बचत खाते में 3 लाख रुपए भी जमा होते हैं, तो बैंक डूबने की स्थिति में 5 लाख रुपए ही आपको वापस मिलेंगे। आपके खाते में जितने चाहे पैसे हों, कुल रकम सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित होगी। मसलन अगर किसी भी अकाउंट में 10 लाख रुपए और अलग से FD भी कराई हुई है, ऐसे में बैंक डूबने या दिवालिया होने पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की रकम इंश्योर्ड होगी। सरकार किसी भी बैंक में एक व्यक्ति के सभी खातों को मिलाकर 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेती है। पैसे की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। SBI के पूर्व अधिकारी प्रदीप कुमार राय के अनुसार, बैंक में जमा लोगों के पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार ऐसे किसी भी बैंक को दिवालिया नहीं होने दे सकती। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। मसलन अगर कुछ बहुत बड़ा ही खपला होता है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इस अवस्था में सरकार अपनी जिम्मेदारी और पावर के अनुसार काम करती है। बैंक डूबने से पहले तैयार होता है प्लान। प्रदीप कुमार राय के अनुसार, जैसे ही कोई बैंक या फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी संकटपूर्ण अवस्था में आती है, तो उसे संभालने के लिए प्लान तैयार किया जाता है, जिससे बैंक या फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनियों को बचाया जा सके। इसके तहत बैंक की लायबिलिटी को कैंसिल करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस बेल इन क्लॉज में डिपॉजिटर्स का पैसा भी आ सकता है। वैसे आपको ये जानकर हैरत होगी कि कस्टमर्स का पैसा 5वें नंबर की लायबिलिटी है। ऐसे में चिंता होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपने बैंक का पैसा सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे चाहे जैसा संकट हो, आप अपने पैसे को समय रहते निकाल सकते हैं, साथ ही कहीं और सुरक्षित कर सकते हैं। Okay, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।